हिमाचल का सबसे अमीर बोर्ड कंगाली की ओर, बिजली बोर्ड में वेतन और पेंशन के भी पड़े लाले। अब तक ओपीएस से भी वंचित हैं बोर्ड के कर्मचारी। कहीं मुफ्त की बिजली तो नहीं बनी बोर्ड की कंगाली का कारण? बोर्ड के प्रबंधन पर भी लगातार उठ रहे हैं सवाल। कभी हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर बोर्डों में शुमार रहा बिजली बोर्ड, अब कंगाली की ओर बढ़ रहा है। हालत यह हो गए हैं कि बोर्ड के पास अब कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनरों को पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। बोर्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को सैलरी के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 52 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें एक तारीख को सैलरी ना मिली हो। ऐसे में अब कर्मचारी बोर्ड प्रबंधन और सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वहीं बोर्ड के रिटायर पेंशनर्स को अब तक ओपीएस से भी वंचित रखा गया है, जबकि प्रदेश सरकार के अन्य कर्मचारियों को ओपीएस के तहत कवर किया जा चुका है। कर्मचारियों ने इशारों ही इशारों में कहा कि मुफ्त की बिजली के चलते बोर्ड की हालत कमजोर हो गई है। कभी यह भी वक्त था बोर्ड अपने खजाने से प्रदेश सरकार को कर्ज मुहैया करवाता था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। वहीं कुछ कर्मचारियों ने बोर्ड के प्रबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। 52 साल के पिछले इतिहास में पहली बार हुआ है जहां बिजली कर्मचारी की पेंशन और सीमित कर दी गई है, और इससे कर्मचारियों को बड़ी क्रोश है। आज जो ये धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसलिए नहीं किए जा रहे कि हमारी सैलरी पेंशन दी जाए। हम कह रहे हैं कि ये जो धरने के कारण है बिजली बोर्ड के, उनको देखा जाए, और ताकि आज जो इस बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 परिवार जुड़े हैं, जिसमें आपका 29,000 पेंशनर है और लगभग 15-16,000 कर्मचारी हैं, इसके अलावा पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, और लगभग 26 लाख नंबर जो प्रदेश के जिनको बिजली दी जा रही है। लेकिन आज जिस तरह से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है, देर सवेर ये मुश्किल हो जाएगा। आज जो प्रदेश की जनता को आप बिजली मुहैया करा रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा परेशानी लग जाएगा। इस पर हमारा कहना है कि आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति खराब हुई है, इसके पीछे जो राज्य सरकारें रही हैं, वो पूर्व सरकारें रही हैं, वर्तमान सरकारें हैं, जो एक अपीजमेंट का पॉलिटिकल एक नज़रिया रहता है सरकार का। पिछली सरकार ने 125 बिजली फ्री करी, उस फ्री के चक्कर में आज लगभग जो 112-1200 करोड़ का बिजली बोर्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक होती है, अभी तक वो सब्सिडी जो लास्ट क्वार्टर की है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर है, उसमें लगभग वो सब्सिडी बिजली बोर्ड को नहीं आएगी। इस करके अभी जो पहली को है, पहली को प्रदेश के कर्मचारी को बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशन को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिली। मैं कहना चाहूँगा आज जो वर्तमान स्थिति, इसकी जो बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट है, वो भी बराबर का दोषी है। दरअसल हिमाचल में 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती है और इसके एवज में सरकार बोर्ड को पैसा देता है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक का पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार हर तिमाही के लिए बिजली बोर्ड को एडवांस 250 करोड़ रुपए देती है। जहां सरकार पिछले 3 महीने का पैसा नहीं दे पाई है, वहीं अगली पेमेंट भी ड्यू है। ऐसे में सरकार को बिजली बोर्ड को करीब 500 करोड़ रुपए देने हैं। बहरहाल इस घटनाक्रम से बोर्ड प्रबंधन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं इससे बोर्ड की कमजोर आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। ऐसे में बोर्ड प्रबंधन और सरकार को समय रहते कदम उठाने होंगे, ताकि बोर्ड का कामकाज सही तरीके से चल सके और इस पर फ्री बिजली का बोझ ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिमोट न्यूज़।